हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मच्छे नड्डू कुमम ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। जय माता जी। और यहाँ पर हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, तो यहाँ मैंने डुगू को तैयार कर दिया है और आज मुझे लेट हो गया है क्योंकि ये देखिए डुगू का फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं वो है, तो डुगू को लेट हो गया क्योंकि मैं क्या बताऊँ, ये तो उठता नहीं है, परेशान करके रख देता है। ऊपर से अभी तैयार किया है तो ये बारिश आ गई, तो इसी सब चक्कर में लेट भी हो गया। तो मैंने यहाँ पे फिर दूध गैस बंद किया, फिर गई डुगू को छोड़ा, आते आते फिर मैं मार्केट चली गई थी। मार्केट से टमाटर के भाव, बाप रे, 200 रुपया किलो। मैंने तो टमाटर लिया ही नहीं क्योंकि 200 रुपया किलो, भैया इतना पैसा मेरे पास नहीं है, हम टमाटर नहीं खाएंगे, तो मैंने टमाटर नहीं लिया, पालक लिया। पालक लेके चली आई मैं, ठीक है, क्योंकि इतना महंगा टमाटर भैया खाएंगे तो फिर बाकी सब कैसे मैनेज करेंगे, इसलिए फिर मैंने नहीं लिया। मैं आ गई, उसके बाद में शाम से ये मैंने वीडियो स्टार्ट किया है। तो शाम को मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया तो यहाँ पर हमारे पुराने पुराने फ़ोटोज़ चल रहे थे। तो ये डुगू जब मैं 5 मंथ में प्रेग्नेंट थी तभी का सब फ़ोटोज़ है, तो वो सब देखे फिर डुगू हो गया। देखिए छोटा सा है, क्यूट एकदम, और इतना बड़ा हो गया इतनी जल्दी से, पता भी नहीं चला। तो सारे यही सब बोलते ना कि यादें होती ना, सब हम बैठे बैठे बहुत कुछ अभी। और यहाँ पर किंजल को मैं फटके दे रही हूँ, और यहाँ चिराग को मैंने दिया है पत्ता गोभी कट करने के लिए, तो वो उसको कट कर रहा है वो। और यहाँ पे सब हम लोग, ये दोनों के दोनों तो पागल लड़के यहाँ बैठे हैं टीवी लेकर के। सब बोलते ना पुराने यादें सब ताज़ा हो जाते हैं, ऐसे लग रहा है कि हाँ। मैंने एक्चुअली पेन ड्राइव में करके सब मैंने रख दिया है, इसमें कैसे होता है मोबाइल में, फिर भी अभी बहुत सारे क्लिप मुझे मिल नहीं रहे हैं। और कभी अब शादी की वीडियो भी है मेरे पास, वो भी आप लोग से मैं शेयर करूँगी। एक दो क्लिप मैंने बनाई है टीवी में से, जैसे पेन ड्राइव में था तो मैंने टीवी में लगाया, तो उसी से मैंने बना दिया है, तो वो भी शेयर करूँगी आज आप लोग के साथ में। और इसके बाद में यहाँ पर मैं पत्ता गोभी की भाजी बनाने आ गई, तो मैंने जीरा, राई और कांदा, लहसुन, एक्चुअली इस वक्त मेरे घर में सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो अभी मैंने कुछ लाया नहीं है, तो अभी मुझे लाना है मिर्ची, लहसुन, ये वो सब कुछ ख़त्म है। तो अभी छुट्टी हो तो एक दिन पूरा मार्केट जाऊँ। जाने का तो मैं रोज़ बाहर जाती हूँ बट मार्केट नहीं जा पाती हूँ मैं, सिर्फ जैसे जेठानी के घर जाना हो वहाँ जाती हूँ, तो वहाँ से फिर मार्केट में मतलब नहीं हो पाता है, लेट भी हो जाता है तो मार्केट भी बंद हो जाती है, ऐसा सब हो रहा है। तो अभी मैं एक दिन जाऊँ तो लहसुन, कांदा, ये वो जो भी कांदा तो है, मैंने 10 किलो कांदा ले लिया था, तो बाकी और कोई चीज़ घर में है नहीं, तो मुझे सब लाना है, सब ख़त्म हो गया है। तब एक दिन टाइम निकाल के मुझे छुट्टी लेके फिर जाना पड़ेगा, तो मैं जाके सारी चीज़ें घर के राशन वगैरह भी सब भराने हैं। और यहाँ पर मैंने आटा भी लगा दिया है, बस मैं फटाफट से रोटी बनाऊँगी। और वहाँ मैंने भाजी रख दिया है तो जल्दी से काम ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ मैंने सेंगदाना जो कूटा था वो भी डाल देती हूँ इसमें, और इसके बाद में इसे अच्छे से हम बना लेते हैं, बन जाता है गर्मा गर्म भाजी। और इसमें थोड़ा सा मैं ना तिल ऐड करूँगी, इससे ना स्वाद और अच्छा आता है। तिल मैं बहुत सारी भाजियों में यूज़ करती हूँ, सफ़ेद वाला जो तिल होता है पीस के डाल दो, उससे गाढ़ा हो जाता है भाजी, मतलब अच्छा लगता है, उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। और यहाँ मैं फटाफट गर्मा गर्म रोटी बना रही हूँ, और यहाँ मेरी भाजी भी बस 5 से 10 मिनट में बन के रेडी। और उसके बाद में फिर ये देखिए गर्मा गर्म, और ये सुबह मैंने बनाए थे हलवा बनाया था तो वो भी बचा हुआ था, तो अभी सुबह नहीं, सॉरी, तो सिलाई करने के लिए। सिंगल वाला पहले मैंने स्कूल में बनाया था, उसके बाद में फिर ट्यूशन में बनाया था, दो जगह बनाया था, दोनों जगह फर्स्ट आया था। चलो बाबू, और एक बिग बाजार भी था ना, बिग बाजार भी था, बिग बाजार में भी फर्स्ट आया था, तो वो कावेरी थी ना, कावेरी आंटी ने सबने हेल्प की थी मेरी। कितना रात को 3 बजे तक हम लोगों ने बिग बॉस बनाया था। गुड़िया का पैर मिल गया भाई, किसका, ये कौन सी, अच्छा हाँ छोटी सी गुड़िया है ना, कहाँ है गुड़िया, गुड़िया कहाँ है, गुड़िया का पैर लगा नहीं, भूल जाएगा, लगा लगा पहले, किधर रखे हो, हाँ इधर ही है, इधर लगा ले आज से, चलो हाँ हाँ चलो मैं आ रही, चलो तो मैं ज़रा 2 मिनट बाहर जा रही हूँ, थोड़ा बच्चे लोग का काम मुझे है, और अभी आती यहाँ पर है चिरा, लगा लिया, चलो चलो मैं आती फिर मिलती हूँ, बाय। क्या खाना है, पैसा नहीं है मेरे पास,
बिग बॉस सब गिन गिन के यहाँ पे ये दूध बाबू को भी देखा बेटा यहाँ पे आप सोओगे ना आओगे ना आप आओ तुम्हारा मन क्या हो रहा है बता रही हूँ मेरे को। तो अभी मैं यहाँ पर आ गई हूँ वीडियो का एंड करने के लिए, तो मैं भी वीडियो का एंड करूंगी और उसके बाद मैं जो मुझे काम करना है तभी मैं पहले वीडियो का एंड करूंगी। मुझे थोड़ा सा वीडियो में वॉइस ओवर करना है तो वॉइस ओवर करके, तो बस मेरी आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय माता जी।